पोलाइट सो हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो चगो गेमर। दिस इज नया प्रजापति। आप लोग देख रहे हो चगो गेमर की YouTube चैनल। लास्ट एपिसोड में आप सब लोगों ने देखा होगा कि हमने बनाया था हमारा क्रीपर फार्म जो कि यार वर्क नहीं कर रहा था। लेकिन एक मिनट को मैंने सामने क्या देखा, मैं आपको बताता हूँ। सामने दिख रहा है आपको गोलम भाई। अभी भी थोड़ा बहुत वर्क कर रहा है हमारा आयरन फार्म। तो हाँ, मैं यहाँ पे आया था मेरे मेलन को देखने के लिए कि हमारा ग्रो हुआ कि नहीं। तो हमारा मेलन ग्रो हो चुका है एंड यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास जो 3 बाम्बू थे उनके मैंने बहुत ही ज्यादा बाम्बूस को ग्रो करके लगा दिया है, ठीक है। एंड हाँ, मैं ये कह रहा था कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने बनाया था हमारा क्रीपर फार्म जिसकी मदद से हमको क्रीपर ऑलरेडी अपने आप मरे और वो हमको दे यार क्या बोलते हैं अनलिमिटेड गन पाउडर, ठीक है। बेसिकली क्रीपर को मार के हमको गन पाउडर मिलता है। तो वाला लास्ट वाला या जो फार्म था ना वो तो वर्क नहीं कर रहा था, तो मैंने क्या किया उसको तोड़ दिया एंड उसकी जगह पे वैसा का वैसा थोड़ा बड़ा मैंने यहाँ पे एक दूसरा सेटअप बना लिया, ठीक है। अभी मैं आपको इसके अंदर ले जाके नहीं दिखाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर गलती से भी अंदर क्रीपर हुआ एंड वहाँ पे उसने मेरे को देख लिया मेरे इस तरफ फट गया तो भाई बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन वैसा का वैसा ही है, वहाँ पे मैंने बिल्लियाँ लगाई है और जाने का नीचे क्रीपर जहाँ पे जा सके वहाँ पे मैंने रास्ता बनाया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं नीचे आऊँगा एंड यार यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे है क्रीपर का सेटअप, ठीक है। यहाँ पे क्रीपर यार आता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाई अब तक तो बहुत ही ज्यादा हमारे पास गन पाउडर हो जाना चाहिए था। लेकिन देख सकते हो 1 में 6 है 1 में 5 है सिर्फ, ठीक है भाई। इसमें मैं एप के खड़े रहता हूँ भाई 10-15 मिनट के लिए, फिर भी यार 5-6 क्रीपर आते हैं, ठीक है, एंड 5-6 हमको और वो मिलता है गन पाउडर। तो यार ये वाला भी उतना ज्यादा अच्छा वर्क नहीं करता एंड ये वाला मैंने दूसरा सेटअप बनाया है, ये भी क्रीपर का ही है। लेकिन यहाँ पे हाँ ये देख लो मेरे को क्रीपर का साउंड आ रहा था जलने का। ये वाला भी थोड़ा बहुत अच्छा सा वर्क करता है, लाइक वैसा का वैसा ही वर्क करता है जो वाला लाइक था ना, वैसा का वैसा मैंने सेटअप यहाँ पे बनाया है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे ऊपर जाने का रास्ता नहीं बनाया तो मेरे को ऊपर जाने का रास्ता फटाफट से बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो क्रीपर मरने के बाद यहाँ पे सिर्फ 8 गन पाउडर इकट्ठा हुए। तो यार वर्क तो करता नहीं है, मेरे को पता नहीं कि क्यों ये यार ये वाला वो वाला एंड ये मेरा तीसरा क्रीपर फार्म है, ठीक है। मैंने उससे पहले मैंने एक बनाया था जो कि वीडियो में मैंने बताया था आप सब लोगों को, ठीक है, वो वाला तो मैंने तोड़ दिया एंड ये वाला भी दूसरा एंड वो वाला तीसरा है, ठीक है। मैंने 3-3 क्रीपर फार्म बना लिए लेकिन वर्क ही नहीं होता आई डोंट नो व्हाई। लेकिन चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत वर्क होता है एंड यहाँ पे देख सकते हो मैंने बहुत ही ज़्यादा टॉर्चेस लगा दिए। कूल तो मेरे पास ऑलरेडी था एंड वहाँ पे मैंने टॉर्चेस बना के यहाँ पे लगा दी, ठीक है, क्योंकि भाई अगर यहाँ पे अंधेरा होगा तो बाद में सही से क्रीपर अंदर स्पॉन नहीं होगी, ठीक है। लेकिन एक मिनट रुको, सबसे पहले ना जो सामने की तरफ हमको गोलम दिख रहा है ना उसको मार देते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई मेरे को लग रहा था कि हमारा ये वाला आयरन फार्म वर्क नहीं कर रहा। तो भाई यहाँ पे वो लावा को रखने का क्या फायदा, इसी वजह से मैंने इसको निकाल दिया था। लेकिन भाई साहब मैं अंदर गिर गया। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि मैंने इसी वजह से लावा को निकाल दिया था एंड यार इसी वजह से यार ये गोलम मर नहीं पाया। अभी मेरे को इसको अपने हाथ से मारना पड़ेगा, फटाफट मैं पीछे भाग जाता हूँ अदरवाइज ये मेरे को मार भी सकता है। चलो ये ले, इसको मैं बो से मारूंगा, एक बार ही ये स्वॉर्ड से मार के देख लेते हैं। भाई साहब भाई देखो, पहले मैं गोलम को मारता था ना, अगर मेरे को गोलम 3 भाई उसका जापटा मार देता था ना तो भी हम मर जाते थे। लेकिन अभी उसने मेरे को 2 मारा ना, 2 उसके लाफे मारे ना, स्लैप मारा उसने मेरे को 2 बारी मारा ना तो भी सिर्फ मेरा हाफ हार्ट कम हुआ है। देखो डायमंड का आर्मर हमारा लिए अच्छा है, अभी तो मैं इससे इसके साथ लाइक सामने सामने भी लड़ सकता हूँ, ठीक है। लेकिन चलो उसको मार दिया है मैंने फटाफट से। मैं यहाँ पे यार मुर्गी फार्म में देख लेते हैं, भाई साहब बहुत ही ज्यादा यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, ये देख सकते हो कितना ज्यादा यार ये है, ये भाई साहब कितने ज्यादा है। मैंने जैसे ही लिया स्पेस कम किया वैसे ही 1 स्टैक 2 स्टैक 3 स्टैक बन गया हमारा, देख सकते हो बहुत ही ज्यादा एक्स हमारे पास अभी आ चुके हैं। भाई 6-7 दिनों पहले मैंने सीड खिलाए होंगे लेकिन तब से मैंने इनको सीड ही नहीं खिलाया, तो मेरे पास अभी 8 सीड है एंड जितने वहां पे दिख रहे हैं तुम लोगों को उन्होंने यार उतने ज्यादा एक्स दिए, तो मेरे पास अभी 8 सीड है। मैं इनको खिला देता हूँ जिसकी मदद से ये और ब्रीडिंग कर पाए एंड और बच्चे ला पाए जिसकी मदद से मेरे पास और एक्स आ पाए, ठीक है। इसके लिए मेरे को एक और चेस्ट लगाने के बाद मेरे को उसका एक और सेटअप करना पड़ेगा जिसकी मदद से यार एक्स हमारे पास और भी आते रहे, ठीक है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज के वीडियो में हम क्या करने वाले बता देता हूँ, मैंने आज के वीडियो में करने के वाले वो तो बताया नहीं, ठीक है, लेकिन अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो हाँ हम आज के वीडियो में करने वाला है प्रेपरी, ठीक है। प्रेपरी मीन्स होता है प्रेपरेशन,
प्रिपरेशन होता है पेपरी में, इसको मैं पेपरी कहता हूँ। आज के वीडियो में हम प्रिपरेशन करने वाले हैं वेदर को मारने के लिए। एंड उसका भाई आ गया ना, वो क्या बोलते हैं यार, वो जब वो यार इलेक्ट्रा के पास होता ना, एंडर ड्रैगन को मारने के लिए भी हम उसको वो करने वाले हैं, ठीक है, पेपरी करने वाले हैं। तो जब भी मैं पेपरी बोलूँ तो आप लोग समझ जाना कि यार मैं प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम पेपरी करने वाले हैं, क्योंकि हमको मारना है आगे जाके वेदर को भी मारना है, वेदर को भी डिफीट करना है, एंड ये वर्ल्ड को एंडर ड्रैगन से छुड़ाना भी है, ठीक है, वर्ल्ड को फ्री भी करना है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम नेदर जाएंगे एंड वो वहाँ से जाके ना फोर्ट्रेस की तरफ जाएंगे। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा बहुत खाना खा लेता हूँ। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि फोर्ट्रेस की तरफ हम क्यों जाएंगे, पता है आप सब लोगों को, क्योंकि यार हमको ना पोशन चाहिए होगा, एंड पोशन हम बना सकते हैं यार, ब्रूविंग स्टैंड से हम पोशन बना सकते। भाई गलती से मैंने लगा दिया यार, इसको मारना नहीं था, लेकिन इसको मार देते यार, अभी मेरे को इसको मारना ही पड़ेगा। ये कहाँ पे यार, मेरे को दिख नहीं रहा कि ये रहा भाई, इसने मेरे को कैसा मारा मेरे को पता नहीं, लेकिन भाई इसने मारते ही मेरा वन हार्ट डायरेक्टली कम हो गया। अभी मेरे को इसको मारना पड़ेगा भाई। मैं खाना बनाने के मेरे लिए खाना बनाने के लिए मैं इसको तोड़ रहा था, क्या बोलते हैं यार, इसको शुगर केन को, लाइक शुगर केन को नहीं, पम्पकिन को तोड़ रहा था, लेकिन गलती से मेरा एक्स इसको लग गया, इसी वजह से ये मेरे को मारने के लिए अभी भाग रहा है। लेकिन इसको भी मेरे को मारना पड़ेगा भाई साहब। वो पेंटिंग उखड़ गई। वही मेरे को मारना मत भाई। भाई मैं कितने हार्ट के भाई साहब, भाई इसने मेरे को बहुत ज्यादा गंदा मारा, अभी मेरे को इसको मारना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ओए, ये साइड से आ गया साला, बहुत ही ज्यादा चालाक है यार ये तो। मेरे को लगा यार मैं खाना खा लेता हूँ जब तक ये आए, लेकिन यार नहीं, ये तो ये साइड से आ गया, दूसरी साइड से। चल भाई अभी आ जा ब्रो, अभी तेरे को लड़ना है। चल ले भाई साहब, मैंने इसको भी मार दिया यार, एक गोलम तो ऑलरेडी है। एंड अभी मैं क्या करूँगा, अभी मेरे पास जो है ये है एक्स की मदद से, मैं ये तरबूज नहीं है, इसको क्या बोलते हैं पम्पकिन को काट देता हूँ, क्योंकि पम्पकिन हमारे लिए खाने की चीज़ है, एंड हम इसे बनाएंगे पम्पकिन पाई, ठीक है। अभी 21 पम्पकिन पाई आ चुका है, लेकिन अभी मेरे को और भी जमा करना, आई थिंक 21 पम्पकिन पाई हमारे पास आ चुका है, एंड हमारे पास ऑलरेडी 3 पम्पकिन पाई पड़ा हुआ है, तो इतना आई थिंक इनफ होगा। मैं क्या करूँगा, फटाफट से हमारे मुर्गी फार्म में जाऊंगा, एंड 21 हम ले लेंगे वो एक्स, ठीक है, जिसकी मदद से हम हमारे बना पाए। ये देखो छोटा बच्चा आता है तो यार ये वैसे बाहर निकल जाता है, लेकिन चलो ये एक स्टैक हो गया, दो स्टैक, ओके ये 5-6 हो गया, ठीक है, ओके ओके चलो इतना आई थिंक इनफ होगा। चलो मैं इसको डाल देता हूँ यहाँ पे, एंड चलो हम भी वहाँ पे जाके हम हमारे जो ओल्ड वाला घर है, हाउस है, वहाँ से हम शुगर कैन को कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि शुगर कैन से ही हम हमारा यार क्या बोलते हैं शुगर पाउडर बना सकते हैं, ठीक है। चलो बराबर से हम वहाँ की तरफ जाते हैं। एंड यार ये वाले ब्लॉक्स देख रहे हो ना किसने लगाया, पता है आप सब लोगों को, ये है ना एंडर चेंडर ने लगाया, एंडर चेंडर मीन्स एंडरमैन ने लगाया यार वो वाले ब्लॉक्स। भाई कहीं से भी ये एंडर चेंडर ब्लॉक्स उखड़ के ले जाता है, कहीं से भी यार वो कर लेता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मैं थोड़ा बहुत सारा जो सामान है ना मैं इसमें रख देता हूँ, डर्ट वगैरह हो गया, एक डर्ट हम रखते हैं, ये पेंटिंग वगैरह, भाई मेरे को पेंटिंग वहाँ पे लगानी थी लेकिन मैं भूल गया, गन पाउडर हो गया, ये सब हो गया ना, ये सब मैं इसमें रख देता हूँ, ठीक है। ये मेलन हो गया, ये हिंगसेंक हो गया, ये वो, ये भी हो गया, एंडर चेंडर ये हो गया। भाई एंडर पल को है ना, एंडर पल को हम साथ में लेके जाते हैं, ठीक है, अगर क्या पता यार हमारे नेदर फार्म में काम आ जाए, ठीक है, नेदर फार्म में नहीं लेकिन नेदर में कुछ काम आ जाए, ठीक है, इसी वजह से मैं इसको लेके जाऊंगा साथ में, ठीक है। फटाफट मैं यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल के पास आऊंगा, यहाँ से बना देता हूँ 29 शुगर पाउडर, एंड यहाँ से हमारी पम्पकिन पाई बन जाएगी, ठीक है, अभी भी बन सकती है तो और 5 बन सकती है तो मैं इसको बना दूंगा। एंड अभी जो थोड़ा बहुत सामान बचा इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, पोटैटो वगैरह सब कुछ हो गया, वो पोटैटो तो यार साथ में रखते हैं, लेकिन ये डर्ट हो गए, इसको मैं साथ में लेके जाऊंगा, इसको एक रख देते हैं, क्योंकि भाई एक अगर होगा तो भी हमारे पास बहुत है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, ये बो को यार पता नहीं कहाँ से है, बो को हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, गोल्ड वगैरह सब कुछ यहाँ पे रख देते हैं। लेकिन अभी मैं क्या करूँगा पता है, मेरे को है ना हमारे जो ये सब है ना हथियार, उसमें उतने ज़्यादा अच्छे यार वो नहीं लगा हुआ, ठीक है, मैं बुक्स नहीं लगी हुई है, ठीक है, एंचेंट नहीं लगी हुई है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से थोड़े बहुत है ना, और यार इसको क्या बोलते हैं, पर यहाँ से ना थोड़े बहुत वीट को कलेक्ट कर लूँगा, एंड देन बाद में इसको वापस से बाद में लगा देंगे, ठीक है, इसके तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन बेसिकली मैं इसी वजह से इसको कलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे को है ना और थोड़े बहुत विलेजर चाहिए होगा,
क्योंकि भाई मेरे को वो चाहिए, ठीक है, बुक्स चाहिए। और बुक्स यार लाइब्रेरियन को बनाने से मिलती है, हमारे पास ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा विलेजर्स है लाइब्रेरियन जिनको बना सकते हैं एंड वो हमको बुक्स दे देंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ और थोड़े बहुत विलेजर को यार ब्रीड करवा देते हैं, ठीक है, अंदर जितने होंगे उनको ब्रीड करवा देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ से जितने ब्रीड हम बना सकते हैं इनको, भाई साहब 43 ब्रीड हो चुके हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से मैं तीन या चार ब्रीड को मैं तोड़ के हाथ साथ ले लेता हूँ, ठीक है, मैं वहाँ पे लगा दूंगा, तभी यार वो जाके वो ब्रीडिंग कर पाएंगे। लेकिन चलो मैं यहाँ से नीचे आ गया, बड़ा बच्चा मेरे पास जो खाना है ना 43 ब्रेड, इसमें से मैं थोड़ा बहुत उनको दे देता हूँ जिसकी मदद से वो लोग ब्रेड कर पाए, ब्रेडिंग कर पाए एंड हमारे पास और ज़्यादा मजदूर आ पाए, ठीक है, मजदूर यानी कि और ज़्यादा हमारे पास विलेजर्स आ पाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा इसके अंदर, ब्रो इसके सोने के लिए जगह नहीं है, मैं और वो लेके आ चुका हूँ। लेकिन चलो मैं कोई बात नहीं, मैं ब्रेड को यहाँ पे लगा देता हूँ, ये वाला इसमें ले लेते हैं हाथ में, इसको भी ले लेते हैं। चार बेड हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है, चार बेड में वहाँ से लेके आया था येलो कलर के, ठीक है। अभी यहाँ पे एक बेड लग जाएगा, यहाँ पे लग जा, ओके यहाँ पे लग जाए, इसको मैं तोड़ देता हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई ये ज़्यादा स्पेस रोक रहा है, इसी वजह से एक बेड यहाँ पे लगेगा एंड एक बेड हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। एंड अभी ये लोग सो रहा है ना, तो मैं क्या करूँगा पता है, ये है ना जितने भी लेक्टन है ना यहाँ पे, इन सभी को मैं लेक्टन को मैं तोड़ देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं टॉर्च को लगा देता हूँ वापस से, ठीक है, इन लेक्टन को मैं तोड़ देता हूँ। भाई साहब टॉर्च क्यों ये होता है, यहाँ पे लगा दिया एंड जो जब तक सो रहा है ना, तब ये लेक्टन को मैं वापस से लगा दूंगा, जिसकी मदद से ये लोग वापस से फिर से जॉब ले पाए एंड हमारे पास कोई यार अगर कोई अच्छा विलेजर हुआ जो हमको अच्छी बुक दे रहा है वो लाइक रिफ्रेश हो पाए, ठीक है। इसी वजह से इसको मैंने तोड़ दिया, 15 लेक्टन हमारे पास आ चुके हैं, मैं इन सभी लेक्टन को यहाँ पे लगा दूंगा। चलो यार यहाँ पे उतना ऊंचा लगाने का अच्छा नहीं होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे दो दो करके यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ इसके ऊपर, यहाँ पे भी थोड़े बहुत आ जाएगी लेक्टन, ठीक है। चलो यहाँ पे तीन को हम ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, चलो इसको ऐसे ऊपर आ गया यार। खिड़कियों को खुला रखते हैं एंड एक लेक्टन को हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। हमारे पास ये है ना, ये अच्छा वाला यार एक्सपर्ट बन गया है, ठीक है, एंड ये ऑलरेडी स्वीपिंग गेज 3 हो गया, डेप्थ स्पाइडर हो गया, ये फायर एस्पेक्ट 1 हो गया, एक्वायर एफिनिटी हो गया, वो सब हमको दे रहा है। तो मैं ऐसे ही करके पेपर से मैं इनको इनके पास से ट्रेड कर लूँगा, ठीक है। लेकिन यार ये वाला भाई साहब जाने की जगह नहीं बचेगी, इसको मेरे को तोड़ना पड़ेगा सबसे पहले। चलो इसको मैंने तोड़ लिया है एंड हम इसको कैसे लगाएंगे यार, अभी मैं लगा भी नहीं सकता, इसमें तो और जगह भी नहीं बची है। लेकिन अभी तीन बेड खाली बचे, 3 बेड भी अच्छे होंगे। लेकिन यहाँ पे हम मैं इसको दबा के इसको ऐसे लगा देता हूँ, अगर लग जाए, लेकिन लगा नहीं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक बेड को फील कर मैं ऐसे लगे यहाँ पे लगा देता हूँ कोने में एंड मैं सो जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि भाई सुबह भी करनी है। अगले दिन हम अभी जाने वाले हमारे नेदर पोर्टल में, ठीक है। लेकिन नेदर पोर्टल में जाने के पहले, नेदर पोर्टल में नहीं जाने वाला, नेदर फोर्ट्रेस की तरफ जाने वाला है, ठीक है। मेरे को देखो प्रेपरी भी करना है, क्योंकि भाई वेदर को और एंडरमैन को, एंडर नहीं यार वो क्या बोलता है, एंडर ड्रैगन को भी हराना है। मैं क्या करूंगा, उनको हराने के लिए हमको और पोशन भी चाहिए होगा, वो सब चाहिए होगा। तो पोशन हमको किससे बनता है, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पोशन बनता है हमारे इससे, क्या बोलते हैं, हमारे ब्लूमिंग लाइक ब्लेज रॉड से, ठीक है। लेकिन ब्लेज रॉड का जो पोशन बनाने का स्टैंड आता है ना, ब्रूमिंग स्टैंड जो भी होता है वो बनाने का स्टैंड आता है ना, वो हमारे पास अगर एक ब्लेज रॉड हुई तो ही हम बना सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं बना सकते, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आ चुका हूँ, पहले तो यहाँ पे गड्ढा खोद देते, यहाँ पे पानी डाल देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे भाई मिल्क लेने आया हूँ, ठीक है, मिल्क दे दो, चलो मिल्क दे दिया। एंड हाँ, मैं ब्लेज रॉड को आज मेरे को कुछ भी करके नेदर पोर्टल में जाना है, वहाँ से मेरे को कुछ भी करके, ठीक है, कुछ भी करके। भाई साहब मैं यार उनको खाना देना तो भूल ही गया, लेकिन मैं ये कह रहा था कि मेरे को कुछ भी करके आज है ना नेदर पोर्टल में जाके वहाँ पे जिंदा लौट के आना है एंड मेरे को ब्लेज रॉड बहुत ही ज़्यादा लाइक एटलीस्ट पाँच छः तो कलेक्ट करके आना ही है, ठीक है। लेकिन ब्लेज रॉड तो कलेक्ट करनी ही है, उसके साथ साथ मेरे को क्या करना है पता है, मेरे को है ना जो लाल कलर के आते हैं, रेड कलर के आते हैं, आप सब लोगों को पता ही होगा, जो नेदर वॉट भी मेरे को लेके आना है, जिसकी मदद से हम पोशन बना पाएंगे, ठीक है। नेदर वॉट भी हमको मिल जाएंगे नेदर फोर्ट्रेस में एंड नेदर फोर्ट्रेस तो आप सब लोगों को पता ही है कि हमारे पास ऑलरेडी नेदर फोर्ट्रेस है, तो हाँ मेरे को वहाँ पे जाके वो भी लेके आना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत खाना है तो उसको खा लेते हैं एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत चेस्ट है,
तो नेदर फोर्ट्रेस में जाके हमको नेदर वॉट लेके वापस आना है, ठीक है। तो उससे पहले मैं ये विच सीट को मैं यहाँ पे रख देता हूँ क्योंकि इसकी कोई नीड नहीं है, इसको भी इसको यार बाद में ले लेंगे, ठीक है। चलो फाइनली अभी हम जाते हैं नेदर वॉट को लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि यार वो है ना कोई भी उस पोशन बनाने के लिए वो हमको चाहिए ही होता है, ठीक है। वो अगर नेदर वॉट हमारे पास है तो हमको एक आधा पोशन बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने एक बार इस बार भी गलती कर दी, मेरे को टॉर्चेस लेके आना है एंड मेरे को क्या शील्ड लेके आना है ये, ठीक है। इसकी मदद से मैं यार क्या बोलते हैं वीदर स्केलेटन आता है ना उससे भी हम बच पाऊँ, ठीक है, एंड जो हमारी ब्लेज रॉड से भी मैं बच पाऊँ, इसी वजह से मेरे को वो सब लेके आना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मेरे को करना है, भाई साहब यहाँ पे न्यू ये हो गया, यहाँ पे देख सकते हो न्यू यार ये क्या आ गया, इसको क्या बोलते आयरन गोलम न्यू आ गया, देख सकते हो इसका मतलब हमारा आयरन पंप वर्क तो कर रहा है। चलो मैं यहाँ भी ऊपर आ चुका हूँ, इसको मारते फटाफट से। इसको पास से मेरे को 3 आयरन मिल गया, फटाफट से मैं यहाँ पे अंदर जाने का रास्ता भाई यहाँ से तो हाँ मैं लेके चला गया था, तो मेरे को यहाँ से टॉर्चेस फाइंड करना है, टॉर्चेस यहाँ पे तो नहीं है, ठीक है। तो मैं फटाफट से मेरे घर पे जाऊंगा एंड मेरे घर पे जाके मैं चेस्ट में से देख लूंगा कि अगर मेरे पास ये हो गया टॉर्चेस तो ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई वहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, तो हाँ इसी वजह से। एंड यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे 54 आयरन पड़ा हुआ तो मैं इसको भी ले लेता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा बहुत कोबलस्टोन पड़ा तो इसको भी ले लेता है, ठीक है। हाँ तो मैं ये बता देता हूँ कि मिल्क मैंने क्यों लिया, मिल्क बेसिकली मैंने लिया कि अगर भाई बहुत ज़्यादा वेदर स्केलेटन ने हमारे पर हमला कर दिया एंड उन्होंने हमको जहर फेंक दिया तो हम मिल्क पी लेंगे, जिसकी मदद से मिल्क, अगर आप सब लोगों को पता होगा कि अगर हम मिल्क पीते हैं हमारा जो हमको इफेक्ट दिया होता ना, किसी ने हमने किसी के पॉइजन दिया हो, किसी ने इफेक्ट दिया होता ना, तो वो चला जाता है, ठीक है। बेसिकली इसी वजह से मैंने इसको ले लिया है मिल्क को, ठीक है। एंड 51 अभी आप देख सकते हो, 51 मैंने ये बना दिया है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं टॉर्चेस को, ठीक है, 51 टॉर्चेस को मैंने बना दिया है। तो मेरे को है ना शील्ड बनानी है, तो शील्ड के लिए हमको हमारे पास वुड होना पड़ेगा, ठीक है, वुड चाहिए होगा, लेकिन प्लीज यार यहाँ पे वुड नहीं मिला, ठीक है, तो मेरे को नीचे जाके वुड लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसमें एक बार ही देख लेता हूँ, उसमें भी नहीं है यार, वुड मेरे को चाहिए होगा बनाने के लिए, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो हम वहाँ पे जाके तोड़ देंगे प्लैंक्स बनाने के लिए, लेकिन मैं एक बार ये वाले चेस्ट में भी देख लेता हूँ कि मेरे को पता है इसमें मिल जाता, ठीक है। यार मेरे पास वुड तो नहीं है, तो मेरे को यहाँ पे नीचे जाना पड़ेगा, भाई पानी कहाँ पे गया, ओके यहाँ पे, चलो तो है ना मैं यहाँ पे आऊंगा, ये वाले है ना ये चेरी ब्लॉसम नहीं यार, ये वाले को ओक वुड को कट कर लेते हैं एंड यहाँ से मेरे को भाई दूसरा कहाँ पे गया, ओके ये रहा। चलो यहाँ से मेरे को प्लैंक्स मिल जाएंगे एंड प्लैंक्स में यहाँ पे है ना ऑलरेडी क्राफ्टिंग, ओके यहाँ पे नीचे भी है क्राफ्टिंग टेबल, लेकिन यहाँ पे ऊपर भी क्राफ्टिंग टेबल होगा नहीं होगा तो मैं मेरे घर पे जाके लगा दूंगा, ठीक है, बना दूंगा क्राफ्टिंग टेबल नहीं शील्ड, ठीक है। जैसे मैंने शील्ड को बना लिया, यहाँ से ना मैं क्या करूंगा टॉर्चेस को ना हाथ में रखेंगे, ठीक है, लेकिन हाथ में रखने के लिए फिलर की जगह नहीं, तो वाटर को साइड में रख देंगे एंड शील्ड को ना दूसरे हाथ में रख देंगे एंड चलो फिलर के लिए हम रेडी है हमारे नेदर फोर्ट्रेस को फाइन नहीं बेसिकली वहाँ पे जाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली मैंने जंप लगा दिया है एंड नेदर फोर्ट्रेस में जाने के लिए हम तैयार है, ठीक है। थोड़ा बहुत खाना खा लिया है क्योंकि भाई हमारा हेल्थ भी चाहिए होगा। चलो यहाँ भी जाते हैं एंड डायरेक्टली ना हम नेदर पोर्टल का यूज करके डायरेक्टली हम चले जाएंगे नेदर फोर्ट्रेस में, ठीक है। एंड मेरे को स्वॉर्ड हाथ में रखनी है बेसिकली, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैं आ गया, ओके ये रहा, मैं सोचता था मेरा रास्ता कहाँ पे, मेरे को यहाँ पे जाना है, चलो यहाँ पे भी आ गया हूँ मैं, यहाँ पे मेरे को संभल के जाना है, दरअसल मैं गिरा ना तो देख सकते हो डायरेक्टली मैं लावा में गिरूंगा, ठीक है। चलो लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं जाऊँगा हाथ में स्वॉर्ड लेके, भाई हाथ में ब्लॉक रखना जरूरी है, ठीक है, तो मैं ब्लॉक को ही हाथ में रखूंगा फिलहाल के लिए, तो स्वॉर्ड की नीड नहीं है, हमको हाथ में रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, ये थोड़ा बहुत रास्ता लंबा है, तो डायरेक्टली मैं आपको है ना नेदर पोर्टल में जाके ही आपसे मिलता हूँ, ठीक है।